संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क ने बयान देते हुए भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल पूछा है कि देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान सिर्फ प्रदर्शनकारी ही क्यों मारे गए, पुलिस के कोई अधिकारी या सिपाही क्यों नहीं मारा। डॉक्टर बर्क यही नहीं रुके, उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि नागरिक संशोधन कानून का विरोध करना केवल मुसलमानों को भारी पड़ा है, उन्होंने ही अपनी जाने गंवाई है, ये सब भाजपा और पुलिस की साजिश के चलते हुआ है। दरअसल डॉक्टर बर्क आज प्रदर्शन में मारे गए एक युवक के घर पहुंचे थे और वहां पर सपा के दूसरे पदाधिकारियों से पूरे मामले पर चर्चा कर रहे थे। आपको बता दें कि सपा के अध्यक्ष के निर्देश पर उन सभी जनपदों के सपा प्रतिनिधि मंडल भेजे गए हैं जहां पर इन प्रदर्शनों के दौरान कोई मौत हुई है। इसी कड़ी में आज संभल में सपा प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ था जहां पर सपा सांसद के साथ साथ असमौली विधायक पिंकी यादव और संभल विधायक इकबाल महमूद सहित सपा के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। दंगे भड़काए हैं बीजेपी के लोग इसमें शामिल हैं। पुलिस साथ में है। आपकी पार्टी का कहना ये है कि जो जानकारी हम लोग देंगे ऊपर और हम लोग विधानसभा में भी मांग करेंगे कि जांच की जाए, निष्पक्षता से जांच हो इस बात के लिए हम सब लोग कहा। नहीं आपने सुना नहीं, परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से एफआईआर। देखिए तहरीर कुछ भी दी जाए लेकिन पुलिस को तो निष्पक्ष जाँच। अभी पीड़ित पक्ष है परिवार, अब उस समय दुखी होता है क्या लिख के दिया क्या नहीं, क्या अब ये क्या करते हैं, ये क्या काम करते हो आप, पल्लेदारी बेचारे करते हैं। इतने तो पढ़े दंगा भड़काने का काम सरकार के इशारे पे ये बीजेपी सरकार के इशारे पे ये पुलिस करवा दी। लोकतंत्र में अगर ये अपनी आवाज ये उठाने का भी हक छीन लिया जाएगा तो फिर लोकतंत्र कहाँ है, तानाशाही हो गई। शासन का आदेश भी हो रहा है। लोकतंत्र में अगर निहत्थे लोग सड़क पे, ये तो गांधी जी ने दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हम लोगों को। हम तो जब गोली चल रही थी जब भी हम मौजूद थे। अच्छा आप थे और कहाँ थे, हमारी तो गाड़ी भी तोड़ दी। अच्छा गोली तो ये पुलिस की गोली से ही जी। और क्या, और प्राइवेट आदमी कहाँ गोली चले बेचारा, तो खाली निहत्थे हाथ का समझा, उसको मतलब क्या है। कहीं भी पूरे इस मोमेंट में कोई इसमें पूरी जंग में तीन मर्तबा हुआ यहाँ पर अटैक। अपनी जान की परवाह ना करी, मर जाओ हम मर जाएंगे तो क्या बात है। सही सांसद जी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया लेकिन इसके खिलाफ कोई परवाह नहीं है, मुकदमा दर्ज करना एक ना दस करो, लेकिन जब लोगों के ऊपर आएगी तो बोलना।